हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम समझेंगे कि बटरेस थ्रेड को ड्रा कैसे किया जाता है। तो हमारे पास क्वेश्चन है ड्रा बटरेस थ्रेड। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि पिच कितनी लेनी है। लेट, तो हम अज्यूम करते हैं लेट पिच पी इज इक्वल टू 40 mm। हम अज्यूम कर लेते हैं कि पिच जो है वो 40 mm है। तो बटरेस थ्रेड के केस में हाइट जो होती है थ्रेड की वो पिच के इक्वल होती है, दैट मीन्स एच इज इक्वल टू पी और पी इज इक्वल टू 40 mm। तो हाइट होगी जो थ्रेड की वो क्या होगी, 40 mm होगी। इसके बाद जो एंगल ऑफ थ्रेड होता है बटरेस थ्रेड के अंदर, एंगल ऑफ थ्रेड इज इक्वल टू 45 degrees। जो बटरेस थ्रेड का जो एंगल होता है वो होता है 45 degrees। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे बटरेस थ्रेड को ड्रा करने के लिए, एक हॉरिजेंटल लाइन, एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रा कर लेंगे। ये मैंने एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रा कर ली। अब हाइट का हमें पता है कि जो हमारी हाइट होती है बटरेस थ्रेड की वो होती है पी के इक्वल। तो पी के इक्वल होती है, तो हाइट पी है हमारी कितनी, 4 centimeters, दैट इज 40 mm। तो मैंने ये वर्टिकल लाइन ड्रा कर ली 40 mm, और इस तरीके से इस लाइन को मैं क्या कर देता हूँ, आगे बढ़ा देता हूँ। इस लाइन को मैंने इस तरीके से आगे बढ़ा दिया, और इसके बाद मैंने जितनी पिच है, पिच हमने ज्यूम की है 40 mm, 4 सेंटीमीटर के पॉइंट में मार्क कर लेता हूँ। ये मार्क कर लिया मैंने पहला पॉइंट 5 पे, इसके बाद यहाँ मैंने मार्क कर लिया, और इसके बाद मैंने मार्क कर लिया यहाँ, ये 4 सेंटीमीटर के पॉइंट मैंने मार्क कर लिए। और इस तरीके से मैं इन हरेक इन पॉइंट्स को वर्टिकली क्या कर देता हूँ, ज्वाइन कर देता हूँ। ये पॉइंट मैंने ज्वाइन कर दिए। ये ज्वाइन करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस तरीके से इस पॉइंट को, इस पॉइंट ज्वाइन कर दिया, फिर इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैंने ज्वाइन कर दिया। फिर इस पॉइंट को मैंने इस पॉइंट से मैंने ज्वाइन कर दिया। इस तरीके से मैंने इनको ज्वाइन कर दिया। और मैंने एक ये पॉइंट लगा लिया 5 mm नीचे यहाँ से, और इसी तरीके से 5 mm ऊपर यहाँ से मैंने पॉइंट लगा दिया। ये 5 mm पॉइंट क्यों लगाया, क्योंकि जो ये हाइट थी ये हमारे पास थी h by 8, और जब 40 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 5 mm। और इस पॉइंट से मैं ये ओरिजेंटल लाइन
ये ड्रा कर देता हूँ इस तरीके से, और यहाँ से भी ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ से इसको क्या कर देता हूँ, डार्क कर देता हूँ। ये डार्क कर दी मैंने, इसको डार्क कर दिया। ये डार्क कर दिया, यहाँ से इसको मैंने डार्क कर दिया। यहाँ से ये मैंने डार्क कर दिया, यहाँ से ये डार्क कर दिया, और यहाँ से ये डार्क कर दिया। यहाँ से ये डार्क कर दिया। इस तरीके से डार्क करने के बाद में इसको यहाँ बढ़ा दिया। और ये हमारी बटरेस थ्रेड बन के क्या हो गई है, तैयार हो गई है। ये बटरेस थ्रेड है हमारी, ये डिस्टेंस हमारी क्या कहलाती है, पिच कहलाती है।
ये जो डिस्टेंस ली थी हमने ली थी h बाई 8। और ये जो डिस्टेंस थी हाइट थी हमारी, वो हाइट थी हमारी कितनी, h इज इक्वल टू p, h इज इक्वल टू p, दैट इज आवर बटरेस थ्रेड। और जो ये एंगल होता है हमारा That is 45 degree। तो हमारे पास ये हमारी क्या होगी, बटरेस थ्रेड बन के क्या होगी, ये तैयार होगी। इस तरीके से आप बटरेस थ्रेड को भी अपनी ड्राइंग शीट पे क्या कर लोगे, ड्रा कर लोगे। थैंक्स।